जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा मधुबनी दौरे पर है। इस दौरान पप्पू यादव मधुबनी के कमला बांध का निरीक्षण किया। जाप सुप्रीमो ने जयनगर के बतौना बांध का जल स्तर कटाव का निरीक्षण भी किया। सरकार को आगाह किया हम रात्रि विश्राम सरकारी स्कूल में कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे सीमांचल में जो सिंचाई के नाम पर करोड़ों रुपए का हर साल घोटाला होता है उसकी जांच हो। सरकार को हम चैलेंज करने और चुनौती देने आए हैं। इस बार यदि कहीं भी बांध टूटी और हम लोगों की जिंदगी नर थी तो एक भी मंत्री पदाधिकारियों की जिंदगी सही सलामत नहीं रहे। हम आगाह करने आए हैं कि समय रहते हुए सरकार चेत ले और बहाना नेपाल नहीं होगा। जैसा इस 15-30 सालों के अंदर इस इलाके में सिंचाई पर जितना काम हुआ उसकी पूरी की पूरी ऑडिट हो, उसकी इंक्वायरी किसी भी कीमत पर न्यायाधीश से हो, इसका सीएजी रिपोर्ट तय हो, सीएजी इसको बताए कि कितना 30 सालों के अंदर कितना अरब और खरब रुपया खर्च हुए हैं और आज क्या हालात है। प्रधानमंत्री को भी आरे हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज़, मधुबनी।